रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष एवं संयोजक जनाधिकार पंचायती राज संगठन मध्य प्रदेश विकास तिवारी ने मध्य प्रदेश जनता एकता संघ की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तिवारी ने कहा कि पूर्व में जनाधिकार पंचायती राज संगठन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंप कर पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों, वेतन भत्ते और विकास निधि बढ़ाए जाने का ज्ञापन सौंपा गया था। मुख्यमंत्री ने जनाधिकार पंचायती राज के प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया था कि शीघ्र ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, वेतन भत्ता, विकास निधि पर सरकार बेहतर करेगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तिवारी ने कहा गया कि वर्तमान सरकार में ग्रामीण पंचायतों में स्थानीय जनता से निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों को इस सरकार में आवश्यक अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते पंचायत स्तर पर विकास नहीं हो रहा है। तिवारी ने कहा कि गांव में रहने वाले आम जनों के बीच सरपंच और पंच तथा जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नाम मात्र के रह गए हैं। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और जनता अपने चुने हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है और चाहकर भी पंचायती राज जनप्रतिनिधि जनता के लिए कुछ विशेष नहीं कर पा रहे, जिसके चलते ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। विकास तिवारी ने कहा कि विगत 24 अप्रैल को करोड़ों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री द्वारा रीवा में पंचायत राज स्थापना दिवस कार्यक्रम कराया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी भी जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच को महत्व नहीं दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के प्रति सरकार और देश के जिम्मेदार लोगों की मंशा क्या है। तिवारी ने विगत 22 अप्रैल से मध्य प्रदेश जनपद एकता संघ द्वारा भोपाल में किए गए धरना प्रदर्शन को समर्थन जाहिर करते हुए कहा कि जनपद एकता संघ की जायज मांगों का समर्थन करते हैं। जब प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस बल द्वारा जबरन आंदोलनकारी जनपद सदस्यों को धरना स्थल से हटाकर दूर जंगल में छोड़ दिया गया था, उसकी जानकारी मिलते ही रातों रात भोपाल पहुंचे और फिर से आंदोलन को खड़ा किए। आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों को पूर्ववत अधिकार नहीं देती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद एकता के द्वारा मेरे परम आदरणीय जनपद सदस्य और मेरे परम सहयोगी श्री मृगन्नाथ त्रिपाठी जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है, और इनके जुझारूपन से और इस बार जो भोपाल में इन सब लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के तारतम्य में इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनपद एकता मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला जनपद एकता की अध्यक्ष के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जनपद अध्यक्षों के समर्थन के लिए और जनाधिकार पंचायत राज संगठन के समर्थन के लिए, और मुझे भी कहा गया था कि उस तारतम्य में मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में कई बार लगातार जनाधिकार पंचायत राज संगठन, जनपद एकता, कई जो भी छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं पंचायत राज को लेकर, उनके द्वारा लगातार अपनी बांक को मनवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास ज्ञापन, यहां तक कि जनपद कार्यालयों में लगातार तालाबंदी, जो मुख्यमंत्री की विकास यात्राएं चल रही थी उनमें जनपद सदस्यों द्वारा अपना एक ज्ञापन देना, लगातार मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया जाता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता रहा। दिसंबर महीने में जनाधिकार पंचायत राज संगठन ने भोपाल में एक अपना धरना दिया था और मांग भी रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में मिलकर ये कहा था कि 10 दिवस के अंदर आप सारे जनप्रतिनिधियों को हम बुलाएंगे, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की मांग को लेके हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया था। और एक ज्ञापन में ये तय हुआ था कि सारे लोगों को हम 10 दिवस के अंदर बुलाएंगे और आपके अधिकारों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे। और इसी तारतम्य में जब मांग नहीं मानी गई तो जनपद एकता द्वारा भोपाल में भी 22 तारीख से धरना शुरू किया, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार जनपद सदस्य उपस्थित हुए।
और महिलाएं साथी भी उपस्थित थीं और वो बच्चों के साथ थीं। तो लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा और इसके बाद आपको वरिष्ठ सदस्य मृगन्नाथ त्रिपाठी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के कोई ने सचिव ने बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलवाइए, अगर नहीं मानते तो हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। उसके बाद प्रशासन ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको रायसेन रोड में कहीं छोड़ दिया। लोग भटकते हुए रात भर भटकते रहे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से